सारे लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि क्या हम फेसबुक से पैसे कमा सकते हैं, तो मेरा जवाब होगा जी हाँ बिल्कुल, आप फेसबुक का यूज करके बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं, और वो भी आपने मोबाइल फ़ोन से। सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करना है और आपका पैसा आपके अकाउंट में आता रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि वीडियो कॉपी कहाँ से करना है और इसे एडिट कहाँ से करना है और उसे अपलोड कैसे करना है, ठीक है ना। दूसरों की वीडियो डाउनलोड करके अपलोड करके आप काफ़ी अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। सब कुछ आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। आगे बढ़ने से पहले आप मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है नीरज कुमार, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत। और आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना, ऐसे कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ट्रेंडिंग टॉपिक यहाँ पर देखना है, ठीक है ना। जो ट्रेंडिंग टॉपिक चला है उसे यहाँ पर ढूंढना है, और ट्रेंडिंग टॉपिक आपको कहाँ से मिलेगा वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ट्रेंडिंग टॉपिक लेने के लिए आपको जाना अपने मोबाइल की यूट्यूब एप्लीकेशन में, और यूट्यूब एप्लीकेशन में जाने के बाद यहाँ पर आपको अपने यहाँ पर आपको सर्च करना है जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा हो, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए ट्रेंडिंग टॉपिक आपको सर्च नहीं करना, तो आपको जाना है ट्रेंडिंग में, जो ट्रेंडिंग का आइकन है उसमें आपको टाइप करना है, और यहाँ पर आपको ट्रेंडिंग टॉपिक मिलेगा, ठीक है ना। कहाँ से मिलेगा, यहाँ जो वीडियो आई है ये सभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो वीडियो है ये शॉर्ट वीडियो में ट्रेंडिंग में चल रही है, कौन सी है, आई मेड द बिगेस्ट बूम मेकर, यहाँ पर ठीक है कुछ इस प्रकार से वीडियो, और बड़े बड़े यूट्यूबर्स की यहाँ पर वीडियोज आपको मिलती रहती है, ठीक है ना। जो वीडियो यहाँ पर ट्रेंडिंग में चले उस वीडियो को आपसे उठाना है, ठीक है ना। जैसे मैंने ये वीडियो उठा लिया, अब मैं क्या करूँगा, इस वीडियो को सिंपली यहाँ पर डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है ना। जैसे मैं इस वीडियो को डाउनलोड कर रहा हूँ, सिंपली आपको वही करना है जो इस जो ट्रेंडिंग वीडियो उसी को आपको डाउनलोड करना है। अब डाउनलोड जैसे आप लोग कर लोगे, ठीक है, ये वीडियो आपका डाउनलोड हो जाए, ऐसे आपको दो चार वीडियो और डाउनलोड कर लेनी है जिनको आप डेली में अपलोड करना चाहते हो जो ट्रेंडिंग है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको एडिट कैसे करना है, उसके लिए आपको जाना होगा सीन से अपने काइनमास्टर में, एंड मैं यहाँ पर आपको बता दूँ अपने वीडियो को काइनमास्टर से ही एडिट करता हूँ। आप चाहो तो किसी भी एप्लीकेशन का यूज कर सकते हो, ठीक है ना, जो विदाउट कॉपीराइट हो, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे मैं आ चुका हूँ, अब न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करता हूँ, एंड फेसबुक के लिए 1.1 का रेशियो सेलेक्ट कर लेते हैं, एंड यहाँ पर आपको अब बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखना है, ठीक है ना। यहाँ से मेन टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, सिंपली आपको यहाँ पर वो वीडियो सेलेक्ट करना है जो वीडियो आपने लिया था, जिसमें मैंने ये वाला वीडियो डाउनलोड किया था, मैं इस वीडियो को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंड इसका जो मिक्सर है, इसका जो ऑडियो है उसको यहाँ फुल कर देता हूँ, देन इलेवल ऑटो ऑडियो को चालू कर देता हूँ। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले वाले की तरह बताया था, पिछले वीडियो में बताया था, इस स्पीड को 1.1 कर देना है, एंड जहाँ से वीडियो स्टार्ट होता है उस पार्ट को यहाँ से कट कर देना आगे से, ठीक है ना। अब यहाँ से वीडियो स्टार्ट होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये जो रेड लड़का आ रहा है इसे यहाँ से आपको मिनिमाइज करते जाना है, क्योंकि हमें चाहिए ओनली बाहर का वीडियो, ठीक है ना। तो जो बाहर का वीडियो वो यहाँ से आपको उठाते जाना है, ठीक है ना, क्या ये वाला, इस प्रकार से आपको उठाते जाना है, और जो रेड का बंदा आ रहा है इसे यहाँ पर से कट करते जाना। इससे आपके वीडियो पर कॉपीराइट नहीं आएगा और ना ही किसी को पता चल पाएगा। आप खूब अच्छी तरह से यहाँ पर वीडियो एडिटिंग करके अपलोड कर सकते हो, और किसी को अभी जो है कि किस कतरा नहीं रहेगा। अब देखिए फिर से ये लड़का यहाँ से क्लिक किया, एंड यहाँ पर आपको कट कर देना है। अब ये हो गया हमारा वीडियो 1:21 सेकंड का रेडी, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस वीडियो के अंदर आपको ऐसी ट्रिक इस्तेमाल करनी है जो आपने सोच भी नहीं होगी। सबसे पहले आपको इस वीडियो को थोड़ा सा जूम कर देना है, एंड जूम करने के बाद यहाँ पर आपको एक बैकग्राउंड म्यूजिक दे देना है। कोई बैकग्राउंड म्यूजिक आप यहाँ पर लगा सकते हो, जिसमें ये वाला म्यूजिक यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, एंड यहाँ पर इसे ड्रिंक में आपको सेलेक्ट कर देना है। जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे आप आसानी से काट सकते हो, इतना तो आप जानते होंगे। देन अब यहाँ पर आपको लेयर पर जाना है, देन टेक्स्ट पर जाकर यहाँ पर आपको ऐसा कीवर्ड लिखना है जिसे बंदे देखते ही क्लिक कर दे। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस लड़के की कलाकारी, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लड़के की कलाकारी, ठीक है ना, मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब जो टेक्स्ट लिखा है इसमें आपको फॉन्ट सेलेक्ट कर देना, जो फॉन्ट आप रखना चाहो, एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, कलर आप जो भी रखना चाहें वो कलर रख सकते हैं, मैंने पीला कलर ले लिया है। आप बैकग्राउंड रखना है आपको बैकग्राउंड आप ब्लैक रख सकते हो, तो मैंने ब्लैक रख लिया, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। एंड मैं यहाँ पर इसे कर दूंगा फुल स्क्रीन, जितना हमारा वीडियो का लेंथ है उतना बड़ा इसे आपको कर देना है, ठीक है ना। अब जितने वीडियो का लेंथ है उतने कितने एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ पर कर देना है, लड़के की कलाकारी इस प्रकार आपको लिखती है, ठीक है ना। अब ये हो गया आपका वीडियो रेडी, एंड वीडियो रेडी हो जाने के बाद आपको इस वीडियो को सिंपल सा यहाँ पर आप जो है कि आपको लोडिंग कर देना है 480p में, 30 फ्रेम रेट पर आप इस वीडियो को जो है कि यहाँ से सेव कर सकते हो। सेव हो जाने के बाद आपको जाना है अपने फेसबुक अकाउंट में, देन अकाउंट में यहाँ पर जो मेन टॉपिक है कि वीडियो कैसे वायरल होगी, उसके लिए सिंपल सा आपको वीडियो पर सेलेक्ट करना है, जो वीडियो आपने एडिट किया था उस वीडियो को यहाँ क्लिक करना है, देन यहाँ पर आपको टाइप करना है कि लड़के की कलाकारी, ठीक है ना, लड़के की कलाकारी इस प्रकार यहाँ पर टाइप करना है। देन हैशटैग आपको ट्रेंडिंग लिखना है, हैशटैग आपको यहाँ पर बहुत काफ़ी अच्छे ट्रेंडिंग्स में जो हैशटैग चल रहे हैं शॉर्ट्स वगैरह के वो यहाँ पर डाल देनी है, दो चार कीवर्ड और डाल देना है। नेक्स्ट करने के बाद
आपको ग्रुप्स में भी सेलेक्ट कर देना है, जितने ज़्यादा ग्रुप में आप शेयर करोगे वहाँ पर आपकी वीडियो वायरल होगी। यानी पोस्ट पर जैसे ही आप लोग क्लिक कर देंगे आपका वीडियो वायरल चला जाएगा। जैसे आप लोग वीडियो को एडिट करके अपलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक ले।